अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मेरी अभी नहीं हुई, वैसे हो तो सुबह गई थी, मगर अभी अपने बस कुछ बाहर के काम वगैरह करने जा रही हूँ मैं बाहर। तो अभी बस नाश्ता करके तो निकलूँगी। कल एक फ्रेंड की बेटी की बर्थडे है तो उसके लिए मुझे गिफ्ट लेना है। इसके अलावा कल के लिए कपड़े वगैरह रेडी करने हैं, कुछ ग्रॉसरी करनी है, मुझे घर का सामान वगैरह लेना है तो वो करूँगी, फिर वापस आके सफाई करूँगी आज। और बस इसी तरह पूरा दिन करते करते टाइम पता नहीं, आज तो बच्चों को जल्दी भी पिक करना है तो टाइम कब कुछ ज़्यादा था पता भी नहीं चलता। तो बस अभी जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया, आपको नाश्ता दिखाती हूँ अपना। नाश्ता एवोकाडो ऑन टोस्ट है, साथ मैंने काली मिर्च और क्रश चिली डाली है, साथ एवोकाडो थोड़ा सा डाला है मैंने। तो ये फिनिश करते हैं, साथ मेरा एक जूस मेरा फिनिश करती हूँ, फिर मैंने सिटी जाती हूँ, वहाँ भी आपको दिखाऊंगी जितना कैप्चर कर सकी। और इसके अलावा यहाँ सब लोग इतना बीमार हुए हैं, यहाँ वायरल हुआ हुआ है सबको, और बारी बारी इतनी ज़्यादा ना एक अजीब किस्म का वायरल निकला हुआ है कि शिवरिंग होती है बॉडी, साथ सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। 2 दिन लगते हैं लोगों को रिकवर होने में, मगर खांसी ऐसी है कि खांसी को बहुत टाइम लग रहा है। बीमार तो चलिए, टेम्परेचर तो ख़त्म हो गया था मगर कफ नहीं ख़त्म हो रही। तो खैर चले, अभी मैं ये नाश्ता करती हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह मिलती हूँ सिटी सेंटर में। A few moments later. चलिए सिटी पहुँच गए हैं, अब चलते हैं। ट्रक का भी काम हो गया, अब चलती हूँ मैं पहले अपना मेन काम करने, तस्वीर चलती हूँ पहले, ताकि जो कल गिफ्ट लेना मैंने वो वहाँ से ले लेती हूँ कुछ अच्छा सा। और फिर उसके बाद आके निशा के लिए ड्रेस देखना मुझे वाइट, जो उससे भी नेक्स्ट वीक पार्टी है वो वाइट थी मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो देखती वो भी देखूँगी। और बस फटाफट काम करती हूँ, पहले जब ना होता था ये पूरी बिल्डिंग ऊपर यहाँ तक, और वो इतनी अच्छी शॉप थी, हर चीज़ वहाँ से मिल जाती थी, मेकअप भी, कपड़े भी, कोई पार्टी होती थी। तो वो है ग्रेविटी मैक्स, जो मैं एक दफ़ा बच्चों के साथ आई थी, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, और अब यहाँ पे मार्क्स स्पेंसर खुल गया, तो ये इतनी मेरा यहाँ आना जाना नहीं होता। और इसके अलावा ये हम इंटरटेनमेंट से यहाँ से अक्सर बच्चों के लेते हैं टॉयज,
और ये बिल्ड अ बियर, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी के टैटीज यूज़ करते हैं और फिर ये अंदर उसके अंदर स्टफिंग करते हैं आपके सामने। अगर आप अपनी वॉइस भी कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी होती है, यहाँ से आप बटन प्रेस कर सकते हो और वो फिर आपकी वॉइस में अंदर इसके अंदर वो सेव हो जाती है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का टैडी पिक करते हैं। देखिए ये, देखिए ये बगैर इस वक्त कॉटन के हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। तो बच्चे आते हैं अपनी मर्जी की चूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी की बर्थडे होती है तो उसको यहाँ से फ्री टैडी मिलता है। तो अलीशा, ईशान, रज़ैन तीनों जब छोटे थे तो वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी का आके यहाँ से लिया था और उन्होंने स्टफिंग करवाई थी, मगर अंदर वॉइस वगैरह का नहीं कुछ किया था। और ये देखें ये बच्चे, ये टैडीज के कपड़े भी देखें आप। अभी मैं आपको आगे और भी दिखाती हूँ, इनके स्पेशल करेक्टर्स के भी होते हैं। ये देखें ये टैडीज के शूज़ देखें, ये इनके कपड़े, लग रहा है बिल्कुल न्यू बॉर्न के बच्चों के होते हैं ना जैसे वैसे। तो अभी क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा, लग रहा है तो ये उसके भी आ गया। अलीशा के पास ये है और इन बच्चों ने, उनके प्रॉपर बर्थ सर्टिफिकेट्स बनते हैं यहाँ पे, तो उसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं इनके। अलीशा ने स्पाक भी रखा हुआ है, शान ने, और जैन का मुझे याद नहीं है उनका क्या था। देखिए इन्होंने यहाँ से टैडी बनवा ली है। देखें अगर आपकी गर्ल टैडी है तो ये उसके गर्ल्स वाले कपड़े हैं, ये इन्होंने रेडी करके रखा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कोई दे नहीं रहा, वो देखिए ये मशीन है, ये सारी इसके अंदर रूल जाती है सारी टैडी के अंदर, और यहाँ आपके सामने वो करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बॉयज़ के भी कपड़े, उनके प्रॉपर ग्लासेस भी रखी हुई हैं इन्होंने। और अगर कोई ग्रूम एंड ब्राइड है तो ये देखें उसके लिए भी ब्राइडल ड्रेस भी है, ग्रूम ड्रेस भी है। और उनकी देखें जी एक्सेसरी सारी कार्स। अच्छा ये है स्पेशल कॉस्ट्यूम जो करेक्टर का होते हैं ना, ये सुपर वूमेन के हैं। और ये सारे करेक्टर्स क्या दिखेगा, सुपरमैन, टॉय स्टोरी, हर चीज़ के इनके पास करेक्टर्स के भी होते हैं। ईशान ने, सॉरी जैन ने यहाँ से लिया था स्पाइडरमैन का, यहाँ इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा, वरना स्पाइडरमैन के भी होते हैं। देखिए कैप्टन अमेरिका उसकी ये शील्ड, और प्रॉपर ये देखेंगे वार्डरोब भी बन रही है आपको प्रिंसेस के क्लोथ्स। चलो मैं जाती जाती आपको दिखाती हूँ बाहर से भी। तो नाम ही शॉप का ये है बिल्ड अबियर, ये देखें अपनी मर्जी के आप वॉइस बनवाते हैं। ये यहाँ पे ये वॉइस वाला होता है, इससे अंदर ये प्रेस करते हैं तो वॉइस आती है। तो ये टैडी के अंदर डालते हैं, ये ऑप्शन इसके अलग चार्जेस होते हैं, तो जिसको वो चूज करना होता है। सैमुअल भी यहाँ पे अच्छी ज्वेलरी शॉप है, डायमंड्स की भी मिलती हैं, सारे ब्रांड के मिलते हैं। अभी क्योंकि वैलेंटाइन आना, तो ये देखें अब हार्ट वगैरह की वैलेंटाइन। ये है मेरी फेवरेट शॉप नोबू की, जहाँ से मैं अपनी बबल टी लेती हूँ बबल्स वाली। और वो है एंटरटेनमेंट शॉप जहाँ से हम बच्चों के टॉयज वगैरह लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट्स बनाए हैं सारे, अलावा ये भी एक ब्रांडेड शॉप है डर्टी के नाम से है। सारे यहाँ पे ब्रांडेड क्लोथ्स मिलते हैं, आजकल सेल लगी हुई है, चलिए देख लेते हैं अंदर जा के सारे। तो पार्टी भी लेनी है जैन और शान के, तो यहाँ से भी पता नहीं है। Like the party with the formal ones. Jack's की शॉप है, यहाँ से बहुत अच्छी पास्टीज मिलती हैं लेकिन तो सूची पे आपको वो भी दिखाती हूँ अंदर से। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये अच्छे खुला हुआ स्कूल के स्टॉक्स के लिए, मगर क्योंकि सर्दी होती है वेदर की वजह से इन्होंने इंडोर रखा होता है, वो ग्लास से कवर किया हुआ सारा। इसके अलावा वो सामने देखिए लिवाइस की शॉप भी है, यहाँ पे आके मॉर्फी का, तो मैंने मॉर्फी जाना है, अभी मैं जाने लगी हूँ कसूटी। यहाँ से भी सारे ब्रांड्स के कपड़े भी मिलते हैं, ज्वेलरी भी मिलती है। दफ़ा आपने मेरे ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, एक ब्लॉग पहले देखा होगा,
जहाँ पे मैं सारे शूज़ और हैंडबैग्स आपको दिखा रही थी। ऊपर जाके मैं कोई ज्वेलरी देखूँगी क्योंकि बच्ची है 13 साल की, उसकी 13th birthday है, तो उसकी एज के हिसाब से फिर मैं कोई अगर छोटा हैंडबैग दूँ क्या वो देखूँगी, नहीं तो ज्वेलरी भी देखूँगी। जीन्स का साइज चेंज करा, सेम कलर में तो नहीं मिला मगर स्किनी जीन्स थी, ये जो स्किनी है वो ले लिया क्योंकि ये वाली स्लिम थी, स्लिम थोड़ी लूज थी स्किनी में है। तो ये जीन्स हो गई एक्सचेंज, अब चलते हैं शर्ट लेने, ये काम सारे आज ही मुझे कंप्लीट करने हैं। और ये हमारी स्टैचू अंकल, चलते हैं वहाँ पे, मुझे ज़रा देखती हूँ बच्ची के लिए छुट्टी पे मिल जाए तो अच्छा। अब मुझे अब सारा आज कंप्लीट करना है, सबके ड्रेसेस अलीशा मेरा आमिर का हो गया, अब मुझे जैन का रिसान की शर्ट लेनी है, पहले ये गिफ्ट लेनी थी वो लेंगे। Rose gold solid spangle that we've got, and we've got a few different designs like this. चलिए ज्वेलरी तो वो मैंने ले लिया, गिफ्ट ले लिया, उसकी मुझे बहुत प्यारा सा नेकलेस मिला है, और अब मैं यहाँ पे बस ईशान जल की शर्ट ले रह गई या वो लेने आई हूँ, तो वो लेके फिर चलूँगी वापस, और ऐसे कुछ कोई काम नहीं हुआ मुझे। व्हाइट शर्ट्स मिल गई हैं, दो मिली हैं, अब इनमें से डिसाइड करूँगी कि कौन सी रखूँगी, कौन सी रिटर्न करूँ। पिंक नहीं मिली मुझे तो फिर हम वाइट ही ले लेती हूँ। एक मिली है ये, मार्क स्पेंसर था जो क्या बंद हो गया और पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ जा रही, यहाँ भी एक अच्छी शॉप है बच्चों के कपड़ों की, तो वो जैन की शर्ट देख रही थी, वैसे उसके घर में एक है रेड कलर की, तो वो सोची वो कल पहना दूँगी, तो नेक्स्ट वीक फिर देखा जाएगा। बस अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। चलिए अब आ गए हैं किड्स कैमन शॉप है, ये नाम आपको नज़र आएगा, और मज़े की बात हर औरतों की पसंदीदा चीज़ 70% ऑफ, मगर लिखा ऐसे होता है 70% ऑफ के जैसे हर चीज़ में लगा है, मगर हर चीज़ पे नहीं होता। अभी इनकी प्राइसेस भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये फॉर्मल शॉप मिली है मगर माशाल्लाह से एक है जेलमेन की, और मैं आपको इसकी प्राइस भी दिखाती हूँ, बस बेहोश नहीं होना प्राइस देख के आप लोगों ने। तो असल प्राइस थी इसकी 199 200 pound की शर्ट की, और अब 60 की लगी है सेल पे। और कई सारे यहाँ पे ब्रांडेड शॉप्स हैं, डी स्केयर्ड जीएनसी सेंटी भी है, स्टोन आइलैंड, बर्बरी, बॉस, कैनेडा बॉस। अच्छा मैं नीचे देखी, नीचे में नहीं आ रहा था चाहिए आप कुछ, तो नीचे जाए
इसको देख के ना मुझे वो याद आ गई रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जिसमें रणवीर सिंह हर चीज गुची गुची पहनता है। कुछ नहीं मिल सका, सारी शॉप से तो सिर्फ बंद पड़ी है। तो नहीं खुलूंगी, वो लेजर क्लिनिक है फिलहाल। सिटी स्पा खाली, वो ये भी अच्छा ब्रांड है। सारी ऊपर भी सारी शॉप्स हैं। अगर कभी ऐसा, एक दफ़ा ही मैं गई हूँ, मुझे इतना कुछ खास ऊपर की शॉप्स पसंद नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ही प्यारे बुके बने होते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अपीलिंग होते हैं यहाँ पे। काफ़ी काम हो गया आज मेरे, और ये रह गया मेरा मौसी का हाईलाइटर, तो बस वो ले चुकी हूँ। और यहाँ से मिल जाए मुझे वो करके फिर चलते हैं घर। एक बजे बच्चों के लिए दो बजे पे करना मुझे मेरा मौसी पत्थर। अभी टक्कर होने लगी थी मेरे ग्लास मौसम, कैसा पाउडर बनी है ओके। चलो एक ये मिला है और है भी अच्छी ऑफर में, 30 का था, 750 का लगा हुआ है। और ये मैंने अभी ट्राई किया है पीच पे, सॉरी हाइलाइटर के भी हो गया डन। अब चलते हैं कार पार्किंग में। ये न्यूज़ वाले खड़े हो यहाँ इधर, बस वो पार्किंग में जानी, पार्किंग वो है उधर मेरी के पास क्यू पार्क में। ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, ज़ारा से बस जाने की शांति लेजर देख लूँ। ये है मेरी फेवरेट वेस्टर्न आउटफिट्स की शॉप, न्यू लुक। कोलन बियर भी अच्छी है, यहाँ से भी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। इसके बाद भी वो एप्पल का स्टोर है, आपको सामने नजर आएगा। अब चलते हैं ज़ारा की तरफ, ज़ारा से अच्छे स्मार्ट ब्लेजर्स मिल जाते हैं फॉर्मल पार्टी के लिए। वो है हमारा सामने जॉन, इसके अंदर हमारा एक फेवरेट कैफे है जोई द जूस, आप लोगों ने देखे होंगे मेरे पिछले ब्लॉग में भी। हम चलते हैं ज़ारा, ग्राउंड फ्लोर पे इनका वुमेंस का है और ये फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे है जेंट्स का। तो ये मैं देखूँगी ऐसा फटक पर। अब चलते हैं पार्किंग में जितना हो सका। शॉपिंग पे जो हमारे सैनमा घुमाते हैं ऊपर इसके फिफ्थ फ्लोर की सैंड, ये वो मार्क्स पेंसिल जो मैं आपको दिखा रही थी बाहर से। यहाँ पे इनका फूड का सारा सेक्शन है, एक्सिट कार पार्किंग का वो थर्ड फ्लोर पे है। लेटर चलिए जी, ये पहुँच गए घर सिटी से। ओके फिर मैं स्कूल लेने चली गई थी बच्चों को, और बस अभी घर आई हूँ। देन अपना बैग उस दो यूटी टू में रखना, शूज भी गुड बॉय। कबर्ड के अंदर रखिएगा शूज। आज यहाँ है फ्राइडे और लग नहीं रहा कि फ्राइडे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग
एक ही गाड़ी में जाते हैं, ऐसा एक ही गाड़ी जाती है, सारे बच्चे सबके लेके आते हैं अम्मी की तरफ। मगर आज दो दिन बल्कि एक हफ्ता ही हो गया है, हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है और जी भी किस्म का कोई वायरल निकला हुआ, जैसे मैं सुबह आपको बता रही थी। तो इसीलिए आपके सब ने यही सोचा कि रेस्ट करेंगे अपने अपने घर में और अवॉइड करेंगे गैदरिंग, ताकि थोड़ा एक दिन रेस्ट मिले इनको। फिर इंशाल्लाह कल सब पार्टी में वहाँ मिलेंगे, तो देखें कौन कौन आता है, जी जिसकी तबीयत ठीक होगी फिर वो लोग आएँगे। जहन आप चेंज करा बच्चे, फिर मैं आपको खाना देती हूँ। और हालत सुबह से मैं निकली हुई हूँ, यहाँ पर 2:30 बज गए हैं और अभी घर आई हूँ और बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तो बस अब एक ही बच्चे को खाना देती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। A few moments later. चल, जैसे जी मैंने बताया आप लोगों को, आज यहाँ पे सभी बीमार हैं कुछ दिनों से, तो ये देखें आज मैंने फिर सबके लिए बनाया है सूप, ताकि ये लोग सूप पिए और रेस्ट करें। बस इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है और फिर ये रेडी होगा। साथ में इसके लिए बना रही गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ, फिर थोड़ा सा ऊपर इसकी चीज़ लगा दूँगी, जितनी देर में ये मेरा कॉर्नफ्लोर के साथ रेडी हो जाएगा। इसको हल्की आग कर देते हैं। ये गार्लिक ब्रेड रेडी कर रहे हैं, साथ ऊपर इसके इतना हल्का हल्का सा चीज़ डालेंगे। ऑल सेट। बस अब ये मैंने प्री हीट के लिए रख दिया था ग्रिल, अब ये बस अंदर रखते हैं। ग्रिल भी साफ होने वाली है, काफ़ी गंदी है, कल करूँगी। अब चलिए जी, सूप रेडी है, गार्लिक ब्रेड भी रेडी। आज भी जान बंदर मैं तो लास्ट टाइम दे मेड सूप बंद मेड है ना, ग्रीन बॉल लाइक ग्रीन बॉल दे मेड इट दिस ईयर द अ फ्यू डेज अगो। चलें जी, बच्चों ने हमें सूप बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा है। उसके बाद मैं और हमें रात में फिर मूवी लगा ली थी एनिमल, और हम कितनी दफ़ा अब तक देख चुके हैं और हर दफ़ा बहुत ही मज़ा आता है। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।